गया अजमत। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ साथ में आपको ना, ये इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा और साथ में ये आपकी जो पिक्स होंगी आज की वो भी मैं भेज दूंगा। हमने मालूम करना है फाइंड, वही सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल को कौन कौन सी चीजें मालूम करनी होती हैं, क्या क्या चाहिए होता है, ये क्वेश्चन है। फाइंड एफ डॉट एन डीएस, ये हमारे पास डीएस आ गया। अब हमारे पास जो एफ की वैल्यू है वो क्या आएगी, साथ में उन्होंने वो भी दे दी है, वेयर एफ की वैल्यू है मेरे पास 18, जेड आई -12 जे प्लस 3 वाई के, ये मेरे पास एफ की वैल्यू है। फाइंड हमने एफ एंड डीएस करना है। अब हमने ये बताना है कि एंड एस क्या है, हमारे पास एक सरफेस है और उसकी वैल्यू क्या है। एस इज अ पार्ट ऑफ प्लेन अब वो है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू 12 विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट जहां तक है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये यहां तक। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपके पास है एफ, फाइंड करना है एफ डॉट एन डी एस, ये मालूम करना है, मींस आपने सरफेस इंटीग्रल मालूम करना है। आपके पास एक एफ की वैल्यू दी हुई है 18 ZI माइनस का 12 J प्लस का 3 YK एंड डी एस आपके, एंड एस क्या है, एस इज अ पार्ट ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन, मैंने कहा था कि हमने क्या करना होता है, हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, हमने एक्स वाई जेड एक्सिस जो एक जेड एक्सिस होते हैं 3D में, हमने दो प्लेन में एक सरफेस को लाई करवाना होता है, चाहे वो एक्स वाई वाई जेड किसी में उसमें करवाएं, विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिगर बना रहा हूँ, थोड़ी सी यहीं से बना दूंगा, ध्यान से देखिएगा फिगर कैसी होगी, ये इस तरह की कुछ होगी। अब मुझे सबसे पहले तो इसके लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए, अगर मैं एक्स में रह के काम करूंगा मेरा वाई और जेड जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और 0 0, 6 वाई और जेड 0 0 हो जाएंगे। अब अगर मुझे वाई में काम करना है तो जेड और एक्स को 0 करो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 4 0, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं। पर इसी तरह आगे बढ़ूंगा मैं, एक्स और वाई को 0 करूंगा जेड के लिए, तो मेरे पास उसकी वैल्यू आएगी 0 0 2, ये कुछ मेरी वैल्यू इस तरह बन जाएगी। अब मैंने आगे क्या करना है, एक ये इसका एक ट्रायंगल बनाना है इस तरह का,
अच्छा मैंने क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है तो मैं उसके लिए एक और बनाऊंगा। ये तो मैंने 3D के लिए कर दिया। अगर मैंने 2D के लिए करना है तो मैं क्या करूंगा, 2D के लिए इन दोनों को लूंगा। ये हो गया मेरा 6 0 0, एक ये ले लूंगा और एक ये ले लूंगा पॉइंट, क्योंकि मैं हमेशा उसमें, हम जब काम कर रहे होते हैं हम उस सरफेस को 3D के किसी भी दो जो प्लेन होते हैं ना एक्स वाई उसमें लाई करवा रहे होते हैं। अब ये जो पॉइंट है मेरा 0 4 0, ये कुछ इस तरह का दो पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अब ये तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। सोल्यूशन में सबसे पहले याद रखिएगा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की, क्योंकि एफ डॉट एन डी एस है, एफ की तो वैल्यू दी हुई है। एन की वैल्यू निकालने के लिए याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप में क्या करूंगा, हमारे पास क्या होता है एन ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये थोड़ी सी चीजें आप साथ साथ में देखते जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ये जस्ट समझाने के लिए है काम, इस ग्रेडियंट ऑफ फाई। अच्छा ये इसमें ये नहीं आएगा, अब हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई है क्या, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। किसी भी, हमने जिस तरह हम करते थे किसी भी चीज की जब हम डायरेक्शन निकालनी होती थी, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम ये करते थे जो भी होता था उसको उसका मैग्नीट्यूड ले लेते थे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेडियंट भी है, याद है हमने, अगर आपको याद होगा जो हमने ग्रेडियंट किया था वो ग्रेडियंट क्या किया था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड, अब क्या है हमारे पास फाई की वैल्यू कौन सी है, जो आपके यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू जो प्लेन की दी हुई है, कौन सी, जो हमने लिखा था एस इज अ पार्ट ऑफ सरफेस, वो हमारे पास फाई है। और ग्रेडियंट क्या होता है, डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा वाई। ये एक बार लिख के बता रहा हूं क्योंकि बार बार जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमने बार बार यही वैल्यू बार बार रिपीट करनी होगी हमेशा एन के लिए। डावा अपॉन डावा वाई, ये आपका पूरा ग्रेडियंट आ जाएगा, डावा अपॉन डावा जेड, और ये हो जाएगा के, ये ग्रेडियंट हो गया। अब आपने लेना है एक प्लेन, प्लेन हमारे पास कितना होगा, 2x प्लस 3j प्लस सॉरी 3y प्लस 6z। अब ये आसान है, अगर आपने एक वैल्यू को, ये देखें ये मेरा एरो जहां जा रहा है ना, इस ब्रैकेट को इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, आपको सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट से जो होगा वही वैल्यू मिलेगी, वाई और जेड के रिस्पेक्ट से जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2i। फिर इसी वैल्यू को दोबारा ब्रैकेट में जे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3j प्लस 6k, ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। क्योंकि अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी करना है, तो मैग्नीट्यूड जब मैं करूंगा तो वो कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2i प्लस 3j प्लस 6k। अपॉन इसका 49 होगा, लेकिन जब रूट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ये तो यहां तक मैंने निकाला है, एन निकाला है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको
डी एक्स और डी वाई, जो मेरा प्लेन है वो डी एक्स डी वाई में निकाल रहा हूँ, तो जो मेरा सरफेस होगा वो क्या होगा वो मैं अगले इसमें बताता हूँ आपको। ये डी एस है सरफेस, अब वो किस में होगा, क्योंकि मैंने ले लिया है डी एक्स और डी वाई, ये हो जाएगा एन डॉट के, क्योंकि बताया भी था कि अगर एक्स वाई प्लेन होगा जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ यानी कि के की तरफ, अगर वाई जेड होता तो आई होता, क्योंकि अब एन के ले रहे हैं तो हमारे पास जो पीछे वैल्यू है इधर ये 2i + 3j + 6k, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, के साथ, क्यों, क्योंकि हम जो ले रहे हैं जिस प्लेन में उसके जो डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर की वो कहाँ है, के की तरफ, तो यहां पे मैं लूंगा 2i + 3j प्लस मैग्नीट्यूड मैंने जो निकाला था वो 7 था, क्योंकि मैंने के से करवाना है, के से करवाने का मैंने रीजन भी बताया आपको। तो अब आपने के डॉट के करना है, क्योंकि आई जे को तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आपको मालूम भी है, आई डॉट के जे डॉट के 0 हो जाता है, तो के डॉट के 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू मैंने कहाँ पुट करनी है, इधर, जब मैं वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, डी एस इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई अपॉन, क्योंकि वो 7/6 था, 6/7 तो ये सामने, जब मैं इधर पुट करूंगा ये ऊपर वैल्यू जाएगी तो क्या हो जाएगी, 6/7 बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूं, सेवन अपॉन सिक्स हो गया। यहां तक तो मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैंने आगे क्या करना है, अब मैंने आगे करना है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल का क्या होता है, एफ डॉट एन डी एस, एन निकाल लिया डी एस निकाल लिया, अब एफ डॉट एन को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन आएगी नहीं, ट्राई करता हूँ लिखने की इसको, एफ डॉट एन, ये जो वैल्यू जो मेरी पीछे आई थी ये आपकी पूरी एन की एक वैल्यू है, जो आई थी ना ये पूरी एन की वैल्यू है, तो एफ की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 18zi, माइनस ट्वेल्व जे प्लस 3y के, ब्रैकेट क्लोज, ये मेरी हो गई f की वैल्यू। अब मैं लिख रहा हूं n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये मेरे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, एन की। अब दोबारा से डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो जब आप यूज करेंगे आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 18 को 2 से करवाओगे 36z बन जाएगा ये, फिर 12j हमारे पास, ये जे डॉट जे की प्रॉपर्टी है, 12 3 36 माइनस का 36 बन जाएगा आपका, प्लस उसके बाद है 3y के डॉट के और 18y, नीचे 7 आपका वैसे ही चलता रहेगा।
उसको आपने नहीं छेड़ना, एफ डॉट एन। अगले पे चलते हैं, क्योंकि हमने एफ डॉट एन भी निकाल लिया, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या था, एक अच्छा उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, एफ डॉट एन डी एस हो गया, तो क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू थी, क्योंकि मैंने एक्स वाई प्लेन के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे जो जेड है मेरा उसको मैंने किसमें लाना होगा, एक्स वाई के अंदर। तो जब मैं एक्स वाई के अंदर लाऊंगा तो मैं कैसे लाऊंगा, ये ध्यान से देखिएगा, मेरे पास जो है वो है 36 जेड माइनस 36 प्लस 18y और ये आ गया आपका 7, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन थी, अगर आपको देखा हो तो वो z किसके इक्वल था, मैं डायरेक्ट एक वैल्यू लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपको पास जो प्लेन है सरफेस का s जो गिवन है 12 माइनस 2x माइनस 3y, जो आपका ये दिया हुआ है ना, ये वैल्यू है, ये कहां से हमने निकाली, जो आपका प्लेन दिया हुआ था, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई में काम हो रहा है तो मैंने जेड को चेंज कर दिया, इसलिए क्योंकि मेरा एक्स वाई प्लेन है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जेड के अंदर इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आपका बन जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 3y अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का 36 प्लस 18। अच्छा 18 के साथ जो लगा हुआ है आपका वो y है, यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी y आएगा। अच्छा उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 7, ये याद रखिएगा। अच्छा ये इससे कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। अब जब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो मेरा सिंप्लीफाई होके, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो इसका मेरे पास डायरेक्ट आंसर आएगा 36 माइनस 12x अपॉन 7, ये मेरा किसका आंसर आया, एफ डॉट एन का, वो भी एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका आंसर आया है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, सब कुछ है, हमने फिर इसकी लिमिट भी निकालनी है, लेकिन वो भी पता चल जाएगी आपको कैसे करना है, हमने मेन काम कर दिया है। तो अब आपने इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है, ये हमारी आर की रीजन है, एफ डॉट एन डी एस, एफ डॉट एन किसके इक्वल है, 36 माइनस 12x अपॉन 7। अब क्योंकि हमारे पास dx dy भी है, जो ds है ना आपका वो dy dx आपने पीछे देखा भी होगा, मैंने इक्वेशन भी लिखा है, वो है आपका 6 अपॉन 7 था, तो वो बन जाएगा 7 अपॉन 6 बन रहा है, तो साथ में dx dy, ये 7 इस 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरी ये बात आई लिमिट की, तो मैं लिमिट कैसे निकालूंगा, वही अगर आप इक्वेशन 1 पे जाएं, इस पे जाएं 2x प्लस 3y प्लस 6 z, क्योंकि आपने करना होगा z को 0, क्यों, हम एक्स वाई प्लेन के लिए काम कर रहे हैं, z का तो कोई काम ही नहीं है, तो z को आप कर दोगे 0। मुझे अगर x की लिमिट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं y को, अगर x की लिमिट चाहिए, y की लिमिट चाहिए, तो आप x की वैल्यू निकालोगे, ये देखें, अगर मैं z को यहाँ पे जीरो कर रहा हूँ,
मुझे ये y की लिमिट चाहिए हो तो मैं 2x को उधर ले जाऊंगा, इस 3 को भी इधर ले आऊंगा, तो जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 से लेके 12 माइनस 2x अपॉन 3। ये मेरी किसकी लिमिट है, y की। दोबारा सुनिएगा, ये जो आपको मैंने बताया भी था, स्ट्रिप का करके भी बताया था कि एक लिमिट जब कांस्टेंट होती है, एक वेरिएबल फॉर्म में होती है, तो हम वेरिएबल को पहले करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि z को मैंने 0 कर दिया, बाकी मैंने, क्योंकि मैं y के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने x की लिमिट निकाली। अब x के लिए सॉल्व करना है तो y की लिमिट निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है 0 से लेके 6 लिमिट है, वो कैसी है, वो आपकी कांस्टेंट लिमिट कहलाएगी, ये वाली लिमिट जो 0 से लेके 6 है, ये जो लिमिट है ये कांस्टेंट ही रहेगी, ये वाली 0 से लेके 6, ये 0 से लेके 6 हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 2x। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं dy, अच्छा ये तो पहले लिमिट मैंने बताई है, अब अगले स्टेप में मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा dy dx। अब इसको dy को लिखने का मकसद क्या है, पहले इसको लिखने का मकसद ये है कि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में पहले करूंगा, y के रिस्पेक्ट में करूंगा। देखिएगा किस तरह 0 से लेके 6 मेरा जो इंटीग्रेट होगा y के रिस्पेक्ट में हो गया है, तो अपर लिमिट क्या है, क्योंकि वहां यहाँ पे और तो कोई y है नहीं है, सिर्फ dy है, तो अपर लिमिट आप डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे, अपर लिमिट क्या है आपकी, ट्वेल्व माइनस 2x अपॉन 3, और बाहर क्या है, ये 1 अपॉन 6 हमारा जो है ये बाहर आ जाएगा, ये इधर भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, 3 को तो बाहर ले जाएं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 18 0 से लेके 6, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, और आप लोगों ने थोड़े से यहाँ पे आपने खुद सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, और सारा काम हुआ है आपके पास। 12 को 36 से करवाना है तो देखिएगा क्या आ रहा है, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। ये dx है, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाइएगा, मल्टीप्लाई करवाने के बाद दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई आपने करवाना है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास इंटीग्रेशन आएगी, फिर आपने इंटीग्रेट करना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर एक मिलेगा 24। मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा इसको सिंप्लीफाई करवा दिया है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ 24। तो स्टूडेंट्स, आपने